मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी। तो मैग्नीट्यूड बताइए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज का दैट पासेस थ्रू एनी पॉइंट इन दिस सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो फाराडेज लॉ जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू था -dΦ/dt, ठीक है ना। ये जो ईएमएफ है उसको हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आर, है ना, वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। तो ईएमएफ इक्वल टू आई आर यहाँ लिख सकते हैं। आई इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा -dΦ/dt। अब ये जो आई है उसको तो लिख सकते हैं dQ/dt। सो dQ/dt इंटू आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ dΦ/dt। dt कैंसिल हो गया तो dQ इंटू आर इक्वल टू आया -dΦ। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू इंटू आर इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई विथ नेगेटिव साइन। तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा -Δ/r। अब मैग्नीट्यूड हमें पूछा है तो क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Δ/r। ओके।